नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक विशेष पत्रों के बारे में, जो कि धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि सेहत की दृष्टि से भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेल पत्रों के बारे में। जी हाँ, बेल पत्र जो होता है ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके अंदर आपके प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये सूजन रोधी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटी स्पास्मोडिक गुण इसके अंदर होते हैं, तो ये काफी ज्यादा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें ये क्रॉनिक थकान अगर आपके अंदर हो रही है तो इसको उसको दूर करता है, आपको अस्थमा की समस्या को दूर करेगा, गठिया जैसी जो परेशानी है उसमें काफी ज्यादा फायदेमंद है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये पाचन को उत्तेजित करता है, साथ में सर्दी जुकाम इत्यादि जो छोटी मोटी वायरल समस्या होती है उनको ये दूर करता है। तो फिलहाल इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको समय समय पर मिलती है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, जो बेल पत्र खाने के हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बहुत अच्छा से बढ़ा के रखता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बीमारियों के होने वाले संक्रमण को बचाव करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। इसके गुणों की हम बात करें कि इसके अंदर जीवाणु रोधी गुण होता है, एंटीवायरल गुण होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जो कि संक्रमण से लड़ने में और सूजन को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो ये हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है यदि हम बेलपत्र का सेवन करते हैं, क्योंकि जो बेलपत्र जो होते हैं फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन को नियंत्रित करने और मल त्याग के जो समस्याएं आती है उनको दूर करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपकी जो पाचन संबंधी समस्याएं उनको दूर करता है। यदि आप नियमित रूप से जो बेलपत्र का सेवन आप करते हैं तो ये आपकी अपच है, गैस है, बदहजमी है, सूजन है, कब्ज है, मतलब पाचन संबंधी बहुत सी बीमारियों को ये दूर करता है। और बेलपत्रों के नेक्स्ट फायदे की अगर हम बात करें तो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि बेलपत्र की जो पत्तियां होती है इसमें क्रोमियम तत्व पाया जाता है, जो कि आपकी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। और बेलपत्र की जो पत्तियां जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो कि कोशिकाओं में जो हाई ब्लड शुगर जो लेवल बढ़ जाता है उसके होने वाले डैमेज से रोकने में ये काफी ज्यादा मददगार होता है। इसलिए आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेल पत्र का इस्तेमाल जरूर करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि बेल पत्र में मौजूद जो पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में काफी ज्यादा मददगार होता है, और इसमें काफी ज्यादा मात्रा में आपको फाइबर मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, खनिज जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, इत्यादि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होता है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि बेलपत्र में बहुत ज्यादा जो गुण होते हैं वो मुख्य रूप से एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एवं एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर के विषाक्त जो तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ में ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ा हुआ है उसके स्तर को भी ये कम करते हैं। इस तरह से बेलपत्र जो होते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। धार्मिक रूप से तो हम इनका प्रयोग करते ही हैं, साथ में सेहत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको बिल्व के नाम से हम लोग जानते हैं। यदि आप बेलपत्र के और ज्यादा बेनिफिट्स जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं इसके लिए फुल वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद में एक जो औषधि है जिसको हम बिलवादी चूर्ण के नाम से जानते हैं, तो वो भी बनी बनाई प्रिपरेशन आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी सेम बेनिफिट्स इसमें दिखाई देंगे जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। तो फिलहाल ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैं बेलपत्र के फायदे के बारे में बता रहा था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और दूसरे लोगों के साथ जरूर भेजिएगा जिसको इसकी खास जरूरत है। यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।